वैसे तो मी बैंड 3 का रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया है, लेकिन ये जो मी बैंड 3 है ये ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत क्या है ये मैंने वीडियो के टाइटल में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं इसकी फिर से अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये मी बैंड 3 इंडियन वर्जन है और मैं आपको इस बैंड के कुछ खास फीचर्स के बारे में बताऊँगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है मी बैंड 3। अब ये ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अगर आपने मेरा मी बैंड 3 का रिव्यू देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये वही सेम मी बैंड है और इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। इस प्रकार से आपको इसे खोलना है। स्पेसिफिकेशन जो है कुछ हद तक बॉक्स के पीछे दिया हुआ है और जैसे ही आप बॉक्स खोलेंगे तो आपको ये देखिए छोटा सा कार्डबोर्ड टाइप पैकिंग मिल जाती है जिसे आपको पहले निकालना है। ये देखिए इस प्रकार से निकल जाता है और इसके ऊपर ये जो बैंड का जो ट्रैकर है वो लगा हुआ है, तो इसे आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये देखिए, तो ये है मी बैंड 3। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर आपको ये स्ट्रैप मिलता है, ये सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ स्ट्रैप है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, ये देखिए। और इसके अलावा आपको यूज़र मैनुअल मिलता है जिसमें आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो अंतिम कंटेंट है बॉक्स के अंदर वो है ये चार्जिंग अडाप्टर। ये जो मी बैंड 3 है ये मी बैंड 2 से काफ़ी अलग है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है, फैक्ट्री फिल्म लगा हुआ है, उसे आपको पहले निकालना है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो डिज़ाइन जो है थोड़ा सा अलग है। ऊपर जो स्क्रीन का भाग है एकदम कर्वी डिज़ाइन दिया हुआ है और जो बटन है उसे थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाया हुआ है। ये देखिए ये टच सेंसिटिव बटन है और जो स्क्रीन है वो भी टच स्क्रीन है, मतलब कि आप स्क्रीन पर भी स्वाइपिंग कर सकते हैं और जो बटन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। नीचे हार्ट रेट सेंसर दिया हुआ है। ये जो चार्जिंग डॉक है इसे आपको इस प्रकार से लगाना है तो जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो आपस में मैच होना चाहिए, ये देखिए जुड़ जाना चाहिए। और उसके बाद में जो पॉइंट है यूएसबी का, ये आप किसी भी फ़ोन के ट्रैवल अडाप्टर में डाल सकते हैं। इसकी बैटरी तकरीबन ज़ीरो है इसलिए मैंने इसे चार्जिंग पे रख दिया है। देख सकते हैं इस प्रकार से आपको चार्जिंग का इंडिकेटर दिख जाएगा और इसे मैं कुछ समय तक चार्ज होने के लिए रख देता हूँ। चार्जिंग होने के बाद अब ये देखिए जैसे ही मैं इसे स्विच ऑन करता हूँ तो ये कह रहा है कि पेयरिंग कीजिए। उसके पहले मैं आपको ये स्ट्रैप के बारे में बता देता हूँ। सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है और ये जो स्टड है ये मेटल का बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, स्किन फ्रेंडली भी है और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये जो ट्रैकर है इसे आपको इस प्रकार से ये जो स्ट्रैप है इस पर लगाना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो मी बैंड 3 है इसका डिज़ाइन मी बैंड 2 से काफ़ी अलग है और ये देखिए अच्छी तरीके से फिट हो गया है। ये जो डिज़ाइन है मी बैंड 3 का, इसके कारण ये जो स्ट्रैप है इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। ये देखिए तो डिज़ाइन के कारण ये जो स्ट्रैप है ट्रैकर के साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट हो जाता है और इसे निकालना इतना आसान नहीं है। आपको मी फिट एप्लीकेशन का उपयोग करना पड़ेगा। और ये लीजिए, मैं जो मी फिट एप्लीकेशन है उसे मैंने इंस्टॉल कर दिया है। ऐड डिवाइसेस में जाके बैंड पर जाइए और ये जो मी बैंड 3 है इसे ऑन कर दीजिए। ब्लूटूथ को भी ऑन कर दीजिए अपने स्मार्टफोन पर। मी फिट एप्लीकेशन मी बैंड 3 को डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद आपको जो बटन है उसे थोड़ा सा प्रेस करके होल्ड करना है। अब ये पेयर हो गया है, ये देखिए बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। ये फिटनेस ट्रैकर आपके फिटनेस एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकता है, आपने कितना स्टेप्स लिया हुआ है, कितना कैलोरीज बर्न किया हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, आपका हार्ट रेट भी मॉनिटर कर सकता है। कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन है। इसमें नोटिफिकेशंस हैं, आपको कॉल नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं, ऐप नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं, स्टॉप वॉच है, फाइंड डिवाइस है। ये स्क्रीन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो फिटनेस बैंड है ये आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ भी देता है, तकरीबन 15 से 20 दिन का, आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। अगर आपको याद होगा मैंने चाइनीज़ मी बैंड 3 का रिव्यू किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप चाइनीज़ टू इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो लैंग्वेज है देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चाइनीज़ मी बैंड 3 ख़रीदा हुआ है तो एक अपडेट से ऑटोमेटिकली ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कॉल नोटिफिकेशन भी है, अलार्म्स है, ऐप अलर्ट्स हैं। ऐप अलर्ट्स में आप जितने भी एप्लीकेशन हैं आप चाहते हैं उनका अलर्ट्स आपको बैंड पर मिले तो उन्हें आप इनेबल कर सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि आप ज़्यादा एप्लीकेशंस को इनेबल ना करें। लिफ्ट रिस्ट टू व्यू इन्फो का जो ऑप्शन है उसे मैंने इनेबल कर दिया है और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से ये काम करता है। तो जो बैंड है इसे जैसे ही आप उसे इस प्रकार से आपके हाथ को मोड़ेंगे तो जो स्क्रीन है कुछ देर के लिए ऑन हो जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, बेसिकली टाइम और जो डेट है वो दिख जाएगा।
ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस हैं और मैं टच स्क्रीन का उपयोग कर रहा हूँ। दो ऑप्शंस हैं, एक तो टच स्क्रीन है और दूसरा है जो बटन नीचे की तरफ, बटन को प्रेस करते ही आप होम स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको डेट और टाइम दिख जाएगा। और ये देखिए, स्क्रीन पर जाके जो बटन है उसे प्रेस करके होल्ड कीजिए और यहाँ पर आपको कुछ वॉच फेसेस दिख जाएंगे, तो इनमें से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये फिटनेस बैंड 580 AM वाटर रेजिस्टेंट है, आप इसके साथ में स्विमिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल आता है तो ये जो फिटनेस बैंड है इसके ऊपर ही आपको जो कॉलर है उसका नाम या फिर नंबर दिख जाएगा। इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस है, चाहे वो मैसेज का हो या फेसबुक का हो या व्हाट्सएप का हो उदाहरण के तौर पे, तो वो जो नोटिफिकेशन है आप पढ़ सकते हैं इस मी बैंड 3 पर। ये देखिए यहाँ पर, ये नोटिफिकेशन ऑप्शन में जाके ये देखिए मुझे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया हुआ है हाई करके, तो ये मैं यहाँ पर पढ़ सकता हूँ। और अगर मुझे जो भी नोटिफिकेशंस है उन्हें इरेज करना है इस मी बैंड 3 पर, तो क्लियर पे जाइए और जो बटन है उसे प्रेस करके होल्ड कीजिए। ये लीजिए, जो भी नोटिफिकेशंस है सारे के सारे नोटिफिकेशंस इस मी बैंड 3 पर क्लियर हो गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया अपग्रेड है ये मी बैंड 3। अगर आप मी बैंड 2 का उपयोग कर रहे हैं या फिर पुराने मी बैंड का उपयोग कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये जो मी बैंड 3 है इसके लिए जा सकते हैं। इसकी कीमत क्या है ये मैंने वीडियो के टाइटल में मेंशन किया हुआ है और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है। तो ये फिटनेस बैंड आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।